चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमने आपको बताया, हम आज सीखने वाले हैं एक्सेल में लगने वाले सम से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, जो कि हम आप यूज करके बताएंगे किस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक टेबल डिजाइन किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं टेबल हमारा डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे ये हमारा टेबल है जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है, और हमें यहाँ पर इनका टोटल सम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे सम वाला फॉर्मूला। अगर हमें सम निकालना तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू सम। ठीक है, इसको क्लिक किया, यहाँ से हम पूरा रेंज सिलेक्ट करके करेंगे। यहाँ से पूरा रेंज सिलेक्ट किया और ये हो गया आपका सम, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये आ गया आपका सम। इस सम को अपन शॉर्टकट की से भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, इसलिए आपको बस आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट इक्वल टू, तो पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा और आप जैसे ही इंटर करोगे आपका सम आपके सामने आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट की से भी सम निकाल सकते हैं। तो ये था आपका सबसे पहला फॉर्मूला सम, जिससे अपन इसका सम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने सम पढ़ लिया, इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर देते ताकि हमको समझ में आ जाए हम ये पढ़ चुके हैं। अब अगला फॉर्मूला है सम इफ। सम इफ का यूज हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करते हैं, देखिए बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको ये पूरी लिस्ट में से केवल वो आइटम का कॉस्ट टोटल फाइंड करना है जिसमें या तो सीडी हो या सीपीयू हो या फ्लॉपी ड्राइव हो। तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा अपने सीडी, हमें सीडी का टोटल कॉस्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे सीडी और यहाँ पर हम यूज करेंगे सम इफ वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सम इफ। कैसे लिखते हैं उसको, इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू सम इफ, ये यूज किया सम इफ हमने ने। और यहाँ पे बोल रहा है रेंज, रेंज मतलब जिसका हमें, जिस आइटम की रेंज हमें सिलेक्ट करनी, तो हम उसको यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया अपन ने, ये तो कंपनी की रेंज हो गई। आपको आइटम का रेंज चाहिए तो हमको आइटम का रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा आइटम का रेंज है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। आइटम का रेंज हमको सिलेक्ट करना है, ये आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब किस पर्टिकुलर आइटम के लिए हमको बात करनी है, तो हम यहाँ पे सीडी को सिलेक्ट करेंगे कॉमा लगा के, ये सीडी हो गया। देन उसके बाद सम रेंज, तो सम रेंज कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो टोटल हमारा सम आ रहा है वहाँ से हमको रेंज सिलेक्ट करना है कि हमको किसका टोटल प्राइस निकालना है। तो यहाँ से पूरा रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखिए सम आ गया है। सीडी के जितने भी पर्टिकुलर आइटम का है उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पे अगर आइटम को चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने डीवीडी लिख दिया तो डीवीडी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे रैम लिख दिया तो रैम की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आपने यहाँ पे सीपीयू लिख दिया, सीपीयू की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट में से पर्टिकुलर आइटम की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना सम इफ। कौन सा है, सम इफ्स। यहाँ पर हम यूज कब करते हैं, जब हमें दो या दो से अधिक आइटम्स को कंपेयर करना, दो या दो से, जैसे मान लीजिए हमें कंपनी आईबीएम कंपनी के सीडी का कॉस्ट निकालना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए सोनी कंपनी के सीडी निकालनी है हमें, सोनी, और यहाँ पर लिख दिया सीडी, और यहाँ पर यूज करेंगे सम इफ्स। तो सम इफ्स में क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स, ये लिखा फॉर्मूला अपना सम इफ्स। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर रहा है सम रेंज। सम रेंज मतलब किसकी रेंज फाइंड करनी, तो अपन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे टोटल रेंज, ये हो गया सम रेंज, ओके। उसके बाद इस पे लगाएंगे कॉमा, आगे लिखा हुआ है क्राइटेरिया रेंज वन। पहले अपन को आइटम के लिए क्राइटेरिया सिलेक्ट करना, तो अपन पहले क्या करेंगे, आइटम वाली लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये अपनी आइटम वाली लिस्ट होगी, सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने लिखा है उस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, तो अपन उस पर क्या करेंगे, कॉमा लगा के हमको लिखना है सी डी, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज टू। तो किसके लिए बात करना है, कंपनी के लिए, तो कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद हमको बात करना है किस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, तो उसके लिए कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमको सोनी की कंपनी का चाहिए, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास आ चुका है सी डी सोनी की, और उसकी कॉस्ट टोटल आ रही है 280। अगर आप यहाँ पे आइटम को चेंज करेंगे, डीवीडी लिख दिया मान लीजिए आपने, तो 300 हो गया। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया रैम, देखिए रैम जीरो बता रहा है, क्योंकि रैम जो है वो सोनी कंपनी की अवेलेबल हमारे पास नहीं है। देखिए रैम आईबीएम की है, अगर आप यहाँ पे आईबीएम लिख देंगे, मान लीजिए रैम को अगर आपने आईबीएम लिख दिया, तो आपको वहाँ टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार से अपन पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर आइटम की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया सम इफ्स का फॉर्मूला, इसको भी अपन हाईलाइट कर देंगे दोनों को। और अब हम बात करते हैं सम प्रोडक्ट।
सम प्रोडक्ट का यूज अपन कब करते हैं, जब हमें ये रेट और क्वांटिटी दोनों का टोटल प्रोडक्ट निकालना। तो मैंने यहाँ पे लिखेंगे सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कैसे यूज करते बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपन लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, इस पर क्लिक किया, किसका अरे वन, मतलब ये पूरा रेट हमको सिलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्ट कर लिया रेट, फिर कॉमा अरे टू, जितने भी नंबर ऑफ अरे आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया अरे टू। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ से, और आप देखेंगे इसका टोटल आपके पास कॉस्ट आगे दिखी है, ये जो टोटल कॉस्ट है और ये जो टोटल अपन ने पहले निकाला था, दोनों टोटल कॉस्ट सेम आएगी, ठीक है ना। देख सकते हैं आप ये टोटल कॉस्ट और ये जो टोटल कॉस्ट हमने अभी निकाली है दोनों सेम है, इसको बोलते हैं सम प्रोडक्ट। यहाँ भी अपन ने इसको सीख लिया है। अब बात करते हैं सम स्क्यू। सम स्क्यू का मतलब क्या होता है, देखिए उसको अपन, उसके अपन एक अलग टेबल डिजाइन करते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे। सम स्क्यू में हमको मान लीजिए टू नंबर्स लेना है, टू थ्री जितने नंबर आप चाहे ले सकते हैं डिफरेंट। सम स्क्यू में क्या करते हैं, अलग अलग नंबर्स का सम करेंगे अपन स्क्वायर करके, तो यहाँ पे होता है सम स्क्यू। ये सम स्क्यू फॉर्मूला, इसमें अपन को नंबर सिलेक्ट करना है टोटल, यहाँ पर आ गया टोटल सम्स, ये आ गया टोटल सम्स क्यू, मतलब टोटल तीनों नंबर के स्क्वायर का सम। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तीनों का सम करेंगे तो आपके पास आएगा 77। आप देख सकते हैं इक्वल टू सम करके, सम करके देखेंगे तो आपके पास टोटल सम आ जाएगा 77। ये हो गया सम्स क्यू। अब बात करते हैं सम एक्स टू एम वाई टू। एक्स टू एम वाई टू का मतलब यहाँ पर एम जो है वो क्या करता है, माइनस को शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको निकालना है। आप देखिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 8, एक नंबर है 6, इसका हमको सम x2 y2 करना कैसे करेंगे, इक्वल टू सम x2 m y2 किया, नंबर 1 सिलेक्ट किया कॉमा नंबर 2, अरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ये हो गया अपना 28, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 28। आप करके देख सकते हैं इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ये हो गया सम एक्स टू एम वाई टू। और थर्ड वाला है अपना सम एक्स टू पी वाई टू। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लीजिए दो नंबर लिया अपने 6 8, इक्वल टू सम एक्स टू पी वाई टू, ये नंबर सिलेक्ट करना पड़ेंगे, ये नंबर सिलेक्ट किया कॉमा सेकेंड नंबर सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों का प्रोडक्ट का सम करके आ गया। लास्ट नंबर है अपना सम एक्स एम वाई टू। सम एक्स एम वाई टू का मतलब होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया 8, यहाँ पे लिया 6, यहाँ पर आएगा अपने पास सम एक्स एम वाई टू, तो इक्वल टू सम एक्स एम वाई टू, लास्ट वाला फॉर्मूला है अपना। सिलेक्ट किया नंबर 8 कॉमा सेकेंड नंबर ब्रैकेट क्लोज, देखिए 8 माइनस 6 की अपने कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो ये सारे सम के रिलेटेड सारे फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।